हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, सब कुछ हम जानेंगे आज की रीडिंग में। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। सो चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे रीडिंग के आखिर में। हमारे पास है टिकटॉक, फिर है स्टॉकिंग। सो एक तो ये कि आप में से कोई हो सकता है कि आप टिकटॉकर हैं, ये भी हो सकता है, बट देर इज समथिंग अबाउट टाइम ऑल्सो। फिर है मैरिज, इंट्यूशन, एक्शन एंड देन हिडन। सो आपके पर्सन का क्या उनकी इंटेंशंस हैं आपसे हिडन है, वो क्या चाहते हैं इस कनेक्शन से, वो आपसे शादी करेंगे या नहीं, वो क्या सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में, ऑब्वियसली ये आपसे हिडन है। सो आई ऑल्सो फील कि इस वक्त आप लोगों के दरमियान बातचीत नहीं चल रही है। अगर चल भी रही है तो आप एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। सो यहाँ पर क्योंकि मैरिज का कार्ड आया है इसलिए मैं मैरिज पर फोकस कर रही हूँ, कमिटमेंट पर इसलिए मैं फोकस कर रही हूँ, बिकॉज आप लोग सोच रहे हैं शादी के बारे में। सो आपकी इंट्यूशन आपको कुछ ना कुछ बता रही है कि ये इंसान शादी करेंगे या नहीं करेंगे। सो देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे उनकी एनर्जी क्या है जनरली इन लाइफ, उनकी एनर्जी क्या है, फिर हम स्पेसिफिकली उनकी फीलिंग्स देखेंगे आपके लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, स्ट्रेंथ, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है, लियो बहुत स्ट्रांग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी रेजोनेट कर रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आपके पर्सन की ये करंट एनर्जी है, आई फील कि ये इंसान स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिंदगी में मिनी मिनी स्टेप्स ले रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ, स्ट्रेंथ की तरफ, कमिटमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं, फैमिली, रिलेशनशिप्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं, कैसे उन पर इन्वेस्ट करना है, कैसे उनको आगे लेकर चलना है, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के माइंड में हैं, उनके दिल में हैं। सो आपके पर्सन की ये करंट एनर्जी है, ये इंसान सोच रहे हैं ज़िंदगी को पॉजिटिव वे में आगे लेकर जाने के बारे में, अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आना चाह रहे हैं। मे बी आपके पर्सन ने जिम जाना शुरू किया है, मे बी वो अपनी बॉडी पर आजकल ज़्यादा फोकस उन्होंने करना शुरू कर दिया है। सो मिनी मिनी स्टेप्स ले रहे हैं कि ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आए। ओवरऑल आई फील के इनकी एनर्जी बड़ी पॉजिटिव है लाइफ के बारे में, लाइफ को अच्छे से गुजारने के बारे में सोच रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में लर्न कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, हम्बल हो रहे हैं स्पिरिचुअली। आई ऑल्सो फील, जैसा मैंने आपसे कहा कि शादी के बारे में भी सोच रहे हैं आपके पर्सन विद दिस फोर ऑफ वॉन्ड्स, ये कमिटमेंट का कार्ड भी होता है। सो आई फील कि ये इंसान
अपने रिलेशनशिप्स पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को, पर्सनल लाइफ को भी बेहतर बनाना चाहते हैं और अपने रिलेशनशिप्स को भी बेहतर बनाना चाहते हैं, फिर चाहे वो रिलेशनशिप उनकी फ़ैमिली के साथ हो, उनके फ्रेंड्स के साथ हो, आपके साथ हो, वो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि उनका फोकस अपनी हेल्थ और अपने रिलेशनशिप्स पर होना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स काम भी साथ साथ चलेगा। सो ओवरऑल एक बड़ी हेल्दी लाइफ गुजारने का प्लान है आपके पर्सन के जहन में, और वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड, बड़ा ग्राउंडेड, बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं कि वो ये अपने सारे प्लान्स पूरे कर लेंगे। सो आपके पर्सन इस वक्त बड़ी एक पॉजिटिव एनर्जी में हैं, बड़ी मोटिवेशन फील कर रहे हैं ज़िंदगी में बेहतर करने के लिए, रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने के लिए। सो हर दिन कुछ ना कुछ लर्न करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ सीखने के बारे में सोच रहे हैं। सो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी है। अब हम ये देखेंगे कि वो स्पेसिफिकली आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए। सो मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ, बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, करते हैं, मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, चैनल के अबाउट में भी मेंशन है, स्कैमर्स से आप लोगों ने बच के रहना है जो व्हाट्सएप नंबर देते हैं और कहते हैं कि हाँ रीडिंग करवाएं। सो मैं कभी भी किसी से ये नहीं कहूँगी कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और इस पर आप लोग मुझसे रीडिंग लें। नो, मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर कहीं पर भी नहीं है, मैं किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं हूँ सिवा इंस्टाग्राम के, सिर्फ मैं यूट्यूब पर हूँ और कहीं पर भी मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। सो बी वेरी केयरफुल। सो अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो मैं लाइव आने का भी सोच रही हूँ, मैं हमेशा सोचती हूँ बट नहीं हो पाता है, कभी मैं बीमार हो जाती हूँ, कभी कोई और चीज़ आ जाती है, कभी कुछ और हो जाता है लाइफ में, नहीं कर पाती हूँ। सो मैं आना चाहती हूँ लाइव, मेरी कोशिश है, मेरे डिवाइस का भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। सो मैंने सोचा चलो ये भी आज मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ कि मैं इतनी जल्दी जल्दी लाइव इसलिए भी नहीं आ पाती हूँ क्योंकि जिस डिवाइस से मैं लाइव आती हूँ उसमें भी एक प्रॉब्लम चल रहा है, और जिस डिवाइस में मैं शूट कर रही हूँ अभी इससे मुझे ये लाइव ही नहीं आने दे रही ये वाली डिवाइस। सो कुछ प्रॉब्लम टेक्निकल भी चल रहा है जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाती हूँ, बट मेरी पूरी कोशिश है कि ये सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएं और मैं लाइव आ जाऊँ। सो आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, हमारे पास है एट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स। सो वीडियो को मुझे बीच में स्टॉप करना पड़ा था। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है सिक्स ऑफ सोर्ड्स और उससे भी नीचे है एट ऑफ वॉन्ड्स। सो आपके पर्सन की एनर्जी में जो हमने चीज़ें देखी हैं अब वो इससे काफ़ी रिलेट हो रही हैं जो आपके लिए उनकी फीलिंग्स हैं। सो रिसेंटली आई फील कि आपके पर्सन ने आपको बड़ा ही अनवर्दी फील करवाया है, आपको फील हुआ है कि जैसे आप वर्थलेस हैं, जैसे आप अनवांटेड हैं, आपको वो चाहते नहीं हैं अपनी ज़िंदगी में, आप ज़बरदस्ती उनके साथ चिपके हुए हैं या आप ज़बरदस्ती उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है आपके साथ चलने। आपको बड़ा बैड फील करवाया उन्होंने रिसेंटली अपने बिहेवियर से। ये इसमें ये भी हो सकता है कि उन्होंने आपको या तो गोस्ट किया है, बिल्कुल आपसे बात ही करना छोड़ दी उन्होंने किसी आर्ग्यूमेंट के बाद, गोस्ट किया, या फिर आपको बहुत हर्टफुल बातें कही हैं जिसकी वजह से आपको इतना अनवर्दी फील हुआ। सो ये इंसान, इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया और आपने सोचा कि अब आप मूव ऑन कर जाएंगे इस कनेक्शन से, या उन्होंने कहा कि मैं मुझे बस मूव ऑन करना है, बट ये इंसान आपके साथ रेकन्सिलिएशन चाहते हैं। यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी आ गया है स्टार साइन। सो मैं हमेशा वही बात है कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है, अगर एनर्जी मैच करती है तो आपकी रीडिंग है, स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो ये इंसान आपके साथ इमोशनली डिस्टेंस पर हैं। आप देखें कि एनर्जी में कितना बैक एंड फोर्थ है कि ये डिस्टेंट एनर्जी है, फिर ये बड़ी अच्छी एनर्जी है, सक्सेस, चीज़ें अच्छी चल रही हैं, मोटिवेशन है, खूबसूरती है चीज़ों में, खुशी है, हैप्पीनेस, राइट, और फिर ये एक एनर्जी है कि जिसमें आप बिल्कुल ही बोर फील कर रहे हैं, कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हैं, दूर हैं। फिर थ्री ऑफ कप्स हमें रेकन्सिलिएशन, हैप्पीनेस, इन्जॉयमेंट, सेलिब्रेशन का बता रहा है। फिर ये आप देखें कि थोड़ी सी ऐसी एनर्जी है कि
डिटैच्ड. सो कितना बैक एंड फोर्थ है आपके पर्सन की एनर्जी में, और इससे मुझे ये पता चल रहा है कि रिसेंटली या रिसेंट पास्ट में आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत, आप कह लें कि इस तरह से किया है कि मूड स्विंग्स हुए हैं, कभी अच्छा कभी बुरा. सो आई फील हॉट एंड कोल्ड एनर्जी है. येस, दैट्स द राइट वर्ड. मैं काफ़ी देर से सोच रही थी कि क्या वर्ड होगा. सो ये इंसान आपके साथ हॉट एंड कोल्ड हो रहे हैं, कभी अच्छे हो रहे हैं कभी बुरे हो रहे हैं, कभी अच्छे हो रहे हैं कभी बुरे हो रहे हैं. उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि वो ये क्या कर रहे हैं. इसीलिए उनकी एनर्जी में हमने देखा कि वो ज़िंदगी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं. डीप डाउन आपके पर्सन जानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं. डीप डाउन आई फील कि ये एक अच्छे इंसान हैं. उनको रियलाइजेशन है इस बात की कि वो गलत करते हैं, समटाइम्स वो ठीक नहीं करते हैं, फेयर नहीं करते हैं. सो ये इंसान ये चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आने के बारे में सोच रहे हैं. और स्पेशली आपके साथ जो रिलेशनशिप है इसको वो बेहतर करना चाहते हैं, बिकॉज़ उनको रियलाइज़ हो रहा है कि रीसेंट पास्ट में और रिसेंटली उन्होंने आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया, आप ये डिज़र्व नहीं करते थे. सो आप लोगों के दरमियान एक म्यूचुअल लव है, एक कनेक्शन है जिसको आप दोनों आप कह लें कि नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं. आप दोनों सीरियस हैं, आप लोगों की इंटेंशंस प्योर हैं इस कनेक्शन को लेकर, आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, बट आपके पर्सन ने आपको सही से ट्रीट नहीं किया रिसेंटली और उनको ये बात का आइडिया हो रहा है और वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि मुझे अब चेंजिंग लाना होगी, मुझे बेहतर तरीके से अपने पर्सन को डील करना होगा जो कि आप हैं द व्यूअर. सो ये इंसान आपके साथ रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, वो एज अ फ्रेंड आपसे शेयर करना चाहते हैं कि समटाइम्स जो वो करते हैं, जो भी आपको जिस भी तरह से ट्रीट कर रहे होते हैं या कुछ कह रहे होते हैं, वो क्यों ऐसा करते हैं, क्या उनके बैक ऑफ माइंड में होता है जब वो ये सब कुछ कर रहे होते हैं. और आपको ये चीज़ें पर्सनली नहीं लेनी है क्योंकि इसका ताल्लुक आपसे नहीं है. मे बी इन सारी उनका ये जो बिहेवियर है उनके पास्ट से आ रहा है, उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस से आ रहा है. सो इसकी एक हिस्ट्री हो सकती है. सो आई फील कि जैसे ये इंसान पीस बनाना चाहते हैं. सिक्स ऑफ सोर्ड्स पीस का कार्ड भी है. ये इंसान आपके साथ पीस बनाना चाहते हैं, आपके साथ फाइट नहीं करना चाहते हैं. आई ऑल्सो फील कि आप लोगों के दरमियान, कुछ लोगों के दरमियान हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फाइट हुई, बहुत ज़्यादा फाइट, और अब ये थोड़ी सी एनर्जी इस तरह की है कि आप लोग खामोश हो गए, इतना लड़े हैं कि अब खामोश हो गए, अब बात करने का दिल नहीं कर रहा कि अब क्या एक्सप्लेन करना है, ऑलरेडी इतनी लड़ाई हो चुकी है कि अब खामोश रहना बेहतर होगा. कुछ लोगों के दरमियान ये सिचुएशन भी इस वक्त हो सकती है कि लड़ लड़ के अब आप दोनों खामोश हैं, लेकिन अब ये इंसान फाइट और नहीं करना चाहते हैं और पीस बनाना चाहते हैं. सो ये इंसान रेकन्सिलिएशन चाहते हैं और आपके साथ बैठ कर एज अ फ्रेंड कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि जो भी होता है, जो वो करते हैं, जो वो कहते हैं, वो क्यों करते हैं, राइट. सो देखते हैं कि ये इंसान और क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स क्या हैं. सो वो सोच रहे हैं आपके बारे में, वो सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको बड़ा अनवर्दी फील करवाया, उन्होंने गलत किया है आपके साथ, उनको रियलाइजेशन हो रही है. देखते हैं कि और क्या फील कर रहे हैं वो. कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली लूँगी. So we have appreciation number 15 and then number 6 contract. So ये इंसान ये सोच रहे हैं कि वो आपके साथ फेयर होना चाहते हैं, बैलेंस लेकर आना चाहते हैं सिचुएशन में. ये इंसान आपको अप्रिशिएट करते हैं आपकी एफर्ट्स के लिए. आई फील के ये चीज़ें वो इसलिए सोच रहे हैं बिकॉज उन्होंने इसके ऑपोजिट आपसे बोला, जो भी बोला उन्होंने, उनकी बातों में झलक रहा था कि जैसे उन्होंने कभी अप्रिशिएट नहीं किया आपकी किसी बात को, या उन्होंने आपसे ये बोला कि आपने उन्हें कभी अप्रिशिएट नहीं किया है, आप कभी उनके साथ फेयर नहीं हुए हैं, बोला उन्होंने ये. लेकिन उनके माइंड में ये चल रहा है कि कितने वो आपसे लॉयल हैं, कितने वो आपसे कनेक्टेड हैं, कितना वो चाहते हैं कि वो आपके साथ फेयर हों, आपको अप्रिशिएट करें, बिकॉज़ आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं. इसमें कोई शक नहीं है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, ये इंसान सोचते हैं. लेकिन उन्होंने ये इसके ऑपोजिट किया आपके साथ, जो भी किया उनके एक्शंस उनकी बातों से बिल्कुल ऑपोजिट नज़र आया आपको. सो इस बात की रियलाइजेशन है आपके पर्सन को, और जब वो बैठकर सोचते हैं तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्हें आपको अप्रिशिएट करना चाहिए. सो फिर समटाइम्स वो ये भी सोचते हैं कि मे बी वो आपका प्यार डिज़र्व नहीं करते हैं, वो ये भी सोचते हैं.
आई ऑल्सो फील विद दिस फोर ऑफ कप्स, मुझे ये भी फील हो रहा है कि पता नहीं आपके पर्सन का कोई कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, यानी उनको कोई कॉम्प्लेक्स भी है, एहसास कमतरी, अगर तो आप उर्दू को बहुत डीपली समझते हैं, ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लो सेल्फ इस्टीम इशू हो सकता है आपके पर्सन का, जिसकी वजह से वो आपके ऊपर फ्रस्ट्रेशन भी निकालते हैं समटाइम्स, और आपको हर्ट भी करते हैं, आपको अनवर्दी फील करवाते हैं, जबकि डीप डाउन उनको ये फील हो रहा होता है कि वो किसी का प्यार डिज़र्व नहीं करते हैं. सो वी हैव अ मैसेज इन अ बॉटल नंबर 15. वाओ, ये भी 15 है और ये भी 15 है, एंड 5 + 1 = 6, और फिर 6 ऑफ सोर्ड्स भी है. सो 6 6 एंड 6 एंड 6 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. सो नंबर 24, ओ माय गॉड, ये भी हम प्लस करें तो 6 बनता है, टाइम फॉर अ नैप. सो नंबर 6 आपके लिए कोई साइन हो सकता है इस कनेक्शन में, इंपॉर्टेंट हो सकता है. सो विद द टाइम फॉर अ नैप, ये इंसान अभी आप दोनों एक दूसरे से डिटैच हैं, आपके पर्सन को मे बी रिलैक्सेशन चाहिए, या आप कह लें कि थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं, अलोन स्पेस चाहिए उन्हें थोड़ी सी, मे बी वो वर्क के लोड की वजह से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, सो वो डिटैच होना चाहते हैं हर चीज़ से, उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए रिफ़्रेश होने के लिए, चार्ज करने के लिए अपनी एनर्जी को, इसका ये मतलब भी है. उन्हें रेस्ट चाहिए, हो सकता है कोई बीमार है इसलिए भी रेस्ट चाहिए, ये स्पेसिफिक मैसेज है. सो विद अ मैसेज इन अ बॉटल, ये इंसान आपको मैसेज करना चाहते हैं, वो आपको मैसेज करने का सोच रहे हैं, और हो सकता है बहुत जल्दी उनकी तरफ से आपको मैसेज आएगा, और ये पीस का मैसेज है. ये भी हो सकता है कि थोड़े कैजुअल अंदाज में आपका हाल चाल पूछेंगे, थोड़ा कैजुअल होकर कम्युनिकेट करेंगे आपसे, बात करना चाहते हैं आपसे. लेट्स सी और क्या सोच रहे हैं. सो वी हैव, वाओ, यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल. सो आपके पर्सन ऑब्वियसली ये जानते हैं कि आप बहुत लवेबल हैं, कोई भी आपसे प्यार कर सकता है, आप डिज़र्व करते हैं बहुत सारा प्यार, एंड देन एक्सप्रेस योर लव. सो गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर. सो आई डू फील ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, और अपना प्यार शो भी करवाएंगे, एक्सप्रेस करना चाहते हैं कितना वो आपसे प्यार करते हैं. आई डू फील कि उन्होंने अगर आपको हर्ट किया है, वो ये चाहते हैं कि अब वो बैलेंस करें. उन्होंने जैसे आपको हर्ट किया, जो बातें आपसे कहीं, अब वो चीज़ों को नॉर्मल करना चाहते हैं, अब वो ऐसे जेस्चर्स आपको देना चाहते हैं जिससे आपका दिल थोड़ा सॉफ्ट हो जाए उनके लिए. सो हो सकता है कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हुए हैं, आपके पर्सन अब आपको नॉर्मलाइज चीज़ों को करना चाहते हैं, और उसके लिए वो छोटे छोटे जेस्चर आपको देंगे, आपसे पोलाइट होकर जेंटल होकर बात करेंगे, ताकि आपका दिल थोड़ा सॉफ्ट हो जाए उनके लिए. उनका नेक्स्ट एक्शन ये नज़र आ रहा है. लेट्स सी, और भी देख लेते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है. सो वो ये सोच रहे हैं कि वो आप इतना ज़्यादा प्यार डिज़र्व करते हैं, वो आपको ज़रूर प्यार देंगे, और आपके दिल में अगर उनके लिए कोई मैल, कोई बुराई आ गई है, उसको वो निकालने की कोशिश करेंगे, वो फिर से आपका प्यार, आपका ट्रस्ट अर्न करने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स सी, वी हैव फोकस ऑन लव, लुक फॉर द गुड इन एवरीवन. सो आई रियली फील कि आपके पर्सन पहले तो ये चीज़ नहीं सोच रहे थे, इस कनेक्शन में कितनी गुडनेस है, कितनी पॉजिटिविटी है, वो उस पर फोकस नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ नेगेटिविटी ढूंढ रहे थे और आपको टॉर्चर कर रहे थे मे बी. बट अब ये इंसान फोकस कर रहे हैं लव पर, ये इंसान फोकस कर रहे हैं इस कनेक्शन की गुडनेस पर. एंड देन डू समथिंग फॉर समवन, गिव योर अटेंशन टू अनदर. सो ये इंसान आपको अटेंशन देना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसा करना चाहते हैं जिससे आपको खुशी हो, आपको खुश करना चाहते हैं. आपको खुश करने के लिए कुछ छोटे छोटे जेस्चर ये देंगे, बातें करेंगे, अपने प्यार का इजहार करेंगे, चीज़ों को नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे. आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन ये नज़र आ रहा है मुझे. सो लेट्स सी और आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है. गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे. नो दैट यू डिज़र्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिज़ायर्स. सो ग्रेटफुल रहें, पहले से ही
जो ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं आपकी लव लाइफ में, उनके लिए पहले से ही ग्रेटफुल रहें, थैंक्स करें यूनिवर्स को, और हमेशा ये याद रखें कि जो भी आपकी डिज़ायर है आप उसे डिज़र्व करते हैं. एंड देन ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस. वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म. सो आपको ट्रस्ट करना होगा अपने कनेक्शन पर, प्रेजेंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करना होगा, और फिर चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज होंगी आपके लिए. सो फिलहाल आपके लिए हो सकता है कि ये एक चैलेंज है ट्रस्ट करना और एक्सेप्ट करना करंट सिचुएशन को, बट यू कैन डू इट. हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपकी फीलिंग कभी नहीं बदलेगी, कुछ ना कुछ इस टाइप का फील हो रहा हो आपको, बट यू हैव टू ट्रस्ट. वी हैव वाओ द सिचुएशन विल इम्प्रूव. मैं अमेजिंगली देखें अभी आपसे यही कह रही थी कि आपको लग रहा है कि कभी आपकी सिचुएशन नहीं बदलेगी, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट आपके एंजल्स आपसे ही कह रहे हैं कि सिचुएशन इम्प्रूव होगी, ट्रस्ट रखें. एंड देन कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा ऑब्वियसली, बट ये देखें स्केल्स, ये हमें बैलेंस के बारे में बता रहे हैं, इंसाफ जस्टिस के बारे में बता रहे हैं, फेयरनेस के बारे में बता रहे हैं. सो चीज़ें फेयर होंगी, बैलेंस होंगी आप लोगों के दरमियान, और कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ऑब्वियसली हर सिचुएशन में इंसान को करना पड़ता है. सो ये कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी की अब्यूज़ या किसी का टॉर्चर उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करें. नॉर्मल ज़िंदगी में लड़ाई या कुछ हो ही जाता है हर रिश्ते में, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, झुका भी जाना चाहिए, इंसान को झुकना चाहिए रिश्तों के लिए. बट अगर कोई सिचुएशन एक्सट्रीम है, जैसा मैंने कहा एब्यूजिव टॉर्चरस कुछ भी इस तरह की, उसमें आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है कभी भी नहीं. सो देखते हैं कि ये इंसान आपसे कहना क्या चाहते हैं. अभी अगर आपसे कुछ कहते तो क्या कहते, थोड़े से चैनल्ड मैसेजेस हम लेंगे. लेट्स सी, फिर आपके येस और नो क्वेश्चन पर भी हम आएंगे, लेटर्स और नंबर्स भी लेंगे. सो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, सो इन अ गुड वे. ये कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, ऑब्सेस्ड हैं इन अ गुड वे. प्लीज़ अनब्लॉक मी. सो मे बी अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है उन्हें, तो वो कह रहे हैं मुझे प्लीज़ अनब्लॉक कर दें, या उनका ये कहना है कि प्लीज़ मुझे ब्लॉक ना करना. मे बी उनको डर है कि आप उन्हें ब्लॉक कर देंगे, आप पहले भी अक्सर ऐसा करते हैं लड़ाई में. सो वो कह रहे हैं कि मत कीजिएगा ब्लॉक, और किया हुआ है तो अनब्लॉक कर दें. योर साइलेंस इज़ किलिंग मी. आपकी खामोशी उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है. यू आर द लव ऑफ माई लाइफ. आप वो वाहिद इंसान हैं जिससे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार किया है. यू आर द लव ऑफ देयर लाइफ. यू केम क्लोज़र देन एनी वन एल्स. आप सबसे ज़्यादा उनके करीब हैं, कोई इतना करीब कभी नहीं आया. यू आर रॉन्ग. सो कुछ ना कुछ आपसे भी मिस्टेक हुई है, आपके पर्सन कह रहे हैं आपने भी गलत किया है. यू डोंट लव मी. आप मुझसे प्यार नहीं करते, वो ये कह रहे हैं. दे नो कि आप उनसे प्यार करते हैं, बट गुस्से में या जब वो सैड होते हैं तो फिर वो आपसे ये कहते हैं कि आप उनसे प्यार नहीं करते हैं. आई क्रेव यू. सो ये इंसान आपको क्रेव करते हैं, आपकी एनर्जी, आपका टच, आपका प्यार. दे रियली नीड दैट. आई एम स्केर्ड ऑफ लूजिंग यू. वो आपको खोने से बहुत डरते हैं. आई नो दैट यू आर ट्राइंग योर बेस्ट. वो जानते हैं कि आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, आप ट्राई कर रहे हैं कि कनेक्शन सक्सेसफुल हो. आई एम सॉरी. ये इंसान शर्मिंदा हैं, दे आर रियली सॉरी. मैं यही कह रही थी रीडिंग में कि उन्हें दुख है अपने किए पर, रियलाइजेशन है उन्हें. आई कॉन्ट स्लीप एट नाइट. उन्हें रात में नींद नहीं आ रही है, वो सोच रहे हैं आपके बारे में, और उन्हें दुख भी हो रहा है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है. बट वो आपको जेस्चर्स देंगे, वो बेहतर होने की कोशिश करेंगे, अपने बिहेवियर में चेंजिंग लाएंगे, आई रियली फील, और अपनी लाइफ में भी वो पॉजिटिव चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे. सो अब आप अपना येस और नो क्वेश्चन अपने जहन में रख लीजिए. साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे, आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर. सो देखते हैं क्या आता है हमारे पास. सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो से.
हमारे पास है 0 0 0. वाओ, सी 0. अच्छा, मुझे लगा कि ये भी 0 है. सो आपका आंसर आया है डेफिनेटली, इट्स ए यस. नेक्स्ट इज के वी वी नंबर 3, के 11 11, वी पी 1 1, जी 4 4 4, नंबर 9 जे 6 6 6, 3 बी. सो 6 तो आज बहुत ज़्यादा आया रीडिंग में. बी नंबर 5 एम ओ एक्स आई ए एच एन एक्स के एम आई एंड डब्ल्यू. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये आपकी रीडिंग थी. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, लव यू लॉट्स. बाय बाय.